Hey friends, welcome back to the channel. तो यार आज है संडे और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, तो अभी हम लोग बस निकल रहे हैं कहाँ के लिए, बॉम्बे एक्सप्रेस वे जो गुड़गांव से अभी रिसेंटली खुला है. वो पूरा तो अभी बना नहीं है, बट वो आई गेस 200 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है दौसा तक वो खुल गया है. तो बस हम अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, तो वहीं निकल रहे हैं और बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो ही रही है और बस निकल लिए यहाँ से और दिखाते चलते हैं कैसे नजर आ रहे हैं वहाँ के. बाहर तगड़ी बारिश हो चुकी है एक राउंड और अभी जो है वो थोड़ा बहुत बरस रहा है. और ये आ गए हम SPR रोड पे. अभी हम लोग न्यू गुड़गांव तरफ से आ रहे थे, तो ये SPR रोड है और अब SPR रोड पकड़ के हम लोग सोना रोड की तरफ जा रहे हैं. ये आ गए हम वाटिका चौक. वाटिका चौक से हम लेंगे यहाँ से राइट टर्न और राइट टर्न लेकर के पहले सोना वाले जो एक्सप्रेस वे बनाया नया वाला उधर जाएंगे हाईवे, एंड देन फिर वहां से कट होता है मुंबई एक्सप्रेस वे, तो फिर आगे जाके वहां पे कट जाएंगे. गुड़गांव सोना एक्सप्रेस वे जो बनाया ना, नया हाईवे बनाया है, उसमें चढ़ गया है. ठीक है, यहाँ से अभी आगे आके आगे मिल जाएगा आपको बॉम्बे एक्सप्रेस वे. देखो यहाँ से अभी है सोना, देखोगे तो लिखा है 13 किलोमीटर. सोना वाला जो ये टोल है वो हमने दे दिया है. अब यहाँ से 3.5 किलोमीटर बाद बॉम्बे एक्सप्रेस वे जो है वो मिल जाएगा हमें. ये आ गया दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे. और ये है एंट्री पॉइंट उड़ा गया बॉम्बे एक्सप्रेस वे का. तो भाई लोग, अगर आप इस एक्सप्रेस वे में आ रहे हो तो गाड़ी का टैंक वगैरह सब फुल करा करके आना, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है, दूसरे एंड पे कहीं जा कर के है, तो आप वो मार्जिन लेकर के मत चलना. और दूसरी बात, यहाँ पे खाने पीने का भी अभी कुछ खुला नहीं है. कई बीच में आपको वैन वगैरह मिलेगी, फूड वैन वगैरह, बट वहाँ के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए अपने प्रिपरेशन पहले से करके आना. तो अभी हम लोग बस बीच में रुके हुए थे, थोड़ा शॉट वगैरह ले रहे थे. और ये एक्सप्रेस वे बहुत ही बढ़िया बना हुआ है. मेरे ख्याल ये 8 लेन का एक्सप्रेस वे है और अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, ये पहला फेज़ इसका रेडी है. तो अभी ये दौसा तक चल रहा है, फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज़ में भी ये आगे स्टार्ट हो जाएगा. तो जब ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तो ये बॉम्बे आपको, आप गुड़गांव से 12 घंटे में आप पूरी जर्नी कवर कर सकते हो. तो ये है किया सेल्टोस, इसका एक्सीडेंट हो गया है. तो भाई यार, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्पीडिंग मत किया करो, वरना यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है.
तो बात करें स्पीड लिमिट की, तो यहाँ पर स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर। तो यार इससे ज़्यादा स्पीडिंग मत करना वरना यहाँ पे चलान कट जाएगा। जगह जगह पे स्पीड ट्रैकर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं और जो फंक्शनल भी हैं। अच्छा, अभी तक हमें जयपुर जाने में 5 घंटे लगते थे गुड़गांव से वाया NH 48, बट इस एक्सप्रेस वे के थ्रू अगर आप जाते हो तो वही जर्नी आप 3.5 से 4 घंटे में कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा और NH 48 में तो आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है, वो भी ट्रकों का। तो यार अपनी लॉन्ग ड्राइव तो हो गई कंप्लीट और अब चलते हैं वापस गुड़गांव की तरफ। यहाँ से वापस चलते हैं और धन्यवाद कृपया पुनः बता रहे, बिल्कुल आगे भी आते रहेंगे। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव का मज़ा तभी आता है जब मौसम इतना अच्छा हो। अगर धूप वगैरह होती है तो ऐसी लॉन्ग ड्राइव में तो बिल्कुल मन नहीं करता, बट आज का मौसम ही बहुत ज़बरदस्त है तो हमने कहा यार घर में ऐसा टाइम वेस्ट करना तो यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यार आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव थम्स अप, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरी वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।